आज मैं आपको लेके आया हूँ वियतनाम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं डनांग, और डनांग बीच में मैं आपको घुमाने लेके आया हूँ। कभी आप लोग अगर वियतनाम में आते हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है गाइस। 13 इंडियन रेस्टोरेंट मेरे घर के आसपास है। ये देखिए, मतलब जितने होटल हैं यहाँ पे उतने ही मसाज सेंटर हैं, समझ रहे हो आप। ये देखिए आइसक्रीम के कोन जैसा बनाया हुआ है। सो हेलो गाइस, तो इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ डनांग के बीच में। तो गाइस चलिए अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे डनांग बीच में। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में बाइक उठाता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको डनांग बीच किस टाइप का, क्यों लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा डनांग बीच में। सो गाइस वेलकम बैक टू द रूडी व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं आपको लेके आया हूँ वियतनाम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको बोलते हैं डनांग, और डनांग बीच में मैं आपको घुमाने लेके आया हूँ किस टाइप का डनांग, यहाँ पे बीच क्यों इतना फेमस है वर्ल्ड वाइड गाइस। और मैंने काफ़ी दूर दूर के देशों से लोग यहाँ पे आते हुए देखे हैं। यूरोपियन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे हैं, रशियन लोग भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं, और चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, और दूर दूर से अमेरिका से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं टीच करने के लिए। तो गाइस पहले मैं आपको दिखाता हूँ डनांग बीच किस टाइप का ये बीच है गाइस। और मेरे घर से ये लोकेशन ऑलमोस्ट 150 से 200 मीटर के करीबन है, वॉकिंग डिस्टेंस है गाइस। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पे इधर पे बौद्ध का स्टैचू, वो देखिए वहाँ पे एडवेंचर गेम्स हो रहे हैं, वो बनाना राइड, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी राइड होती है यहाँ पे लोगों को, टूरिस्टों को पूरा एंजॉयमेंट गाइस। यहाँ पे बिल्डिंग में स्काई स्क्रैपर दिखाता हूँ आपको किस टाइप के, बीच के एकदम किनारे पे ये देखिए। और रात जैसी होगी तो इसमें लाइटें वगैरह चमकेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे साइड में आप जो भी देखोगे ना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और स्ट्रीट फूड भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और सी फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है डनांग में, क्योंकि समुद्र के किनारे ईजी हो जाता है इन लोगों को सी फूड पकड़ के और बेचना, है ना। और ये देखिए कुछ नज़ारे, काफ़ी लोग मज़े कर रहे हैं। आज संडे का दिन है, और संडे के दिन मेरे को शाम को थोड़ा टाइम मिला, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि संडे को शाम के टाइम थोड़ा फ्री जब मैं होता हूँ तो यहाँ पे आके आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ डनांग बीच से। कभी आप लोग अगर वियतनाम में आते हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है गाइस डनांग। आप देख ही सकते हो कितने टूरिस्ट यहाँ पे आ रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत सिटी इन्होंने बनाई है। अगले व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ब्रिज है ड्रैगन ब्रिज, उसके मुँह से आग निकलती है, और काफ़ी इंडियंस यहाँ पे आते हैं गाइस। और मेरे घर के आसपास ही 13 इंडियन रेस्टोरेंट है, 13 इंडियन रेस्टोरेंट मेरे घर के आसपास है, मतलब 200 मीटर से 300 मीटर के अंदर ही अंदर आपको 13 इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे यहाँ पे। वो देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को दिखा रहे हैं, और इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है। और मेनली मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मेनली इनका चलता ये बीच इसलिए है कि यहाँ पे बार वगैरह हैं, आप जाओ बियर वियर पियो और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तो इंडियन टूरिस्ट मेनली इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर आता है कि यहाँ पे जैसे गोवा जैसा एंजॉय मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, और लास्ट संडे मैं जब यहाँ पे आया था तो हमने थोड़ा सा नहाया भी था, तो मैं तो ऑलरेडी नहा के आया हूँ। और ये जो पानी है पूरा एकदम सॉल्टी वाटर, समुद्र का पानी। और अगर गाइज आप यहाँ से अगर सीधा जाओ ना तो आपको मिलेगा फिलीपींस देश जो है ना। ये देखिए कुछ नज़ारे मैं आपको आगे के दिखाता हूँ, देखिए छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ रेत के साथ खेल रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे वियतनाम में, हमारे क्या बोलूँ, बट सेकंड होम बोल सकते हो मेरे लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल तो दे ही दिए हैं, और इतना साल मैं किसी और देश में नहीं रहा हूँ। ये देखिए योगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये देखिए योगा का यहाँ पर क्लास वगैरह चल रही है, लोग रिलैक्स हो रहे हैं। और एक और चीज़, आगे पे एक स्टेज वगैरह है, तो वहाँ पे जितने भी डनांग में स्कूल्स वगैरह या भी कोई भी कम्युनिटी वहाँ पे आराम से अपना फंक्शन अरेंज करती है। तो आज ही के दिन हमारे जो मेरा जहाँ मैं काम करता हूँ तो वहाँ पे जुम्बा का इवेंट हुआ था अभी से ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले, मैं आ नहीं पाया था क्योंकि हमारा फील्ड थोड़ा हमारा फील्ड योगा का है। तो ये देखिए अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये देखिए समुद्र के नज़ारे। और एक और अच्छी चीज़ इन्होंने क्या की हुई है, ये पाम के जो ट्री है ना पूरे बीच के एकदम एंड पे लगाए हुए हैं, कि जैसे थोड़ा दिन के टाइम पे जो यहाँ पे नहाते हैं ना तो बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनको, और सनबर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे डनांग में। तो फिर क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे हर्ड बने हुए हैं और ये पाम ट्री है उसके नीचे बैठ के आराम से चिल, और ये जो हवा जो आती है समुद्र की बहुत ही शानदार गाइस।
अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकता, कभी आप लाइफ में वियतनाम वाली साइड आओ या आसियान देश वाली साइड आओ तो यहाँ के बीचेस वगैरह, यहाँ के बीचेस ज़रूर इन्जॉय करिएगा। जैसे थाईलैंड वगैरह बीचेस के लिए फेमस है ना, तो वैसे ही वियतनाम के बीचेस भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देखिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, अंधेरा हो गया आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे होटल आपको इस रेंज में मिलेंगे। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अंथोंग एरिया, पता नहीं इनके प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, बट जो इनका लिखा रहता है इंग्लिश में उसमें अंथोंगी होता है। तो ये देखिए गाइस ऊपर चांद भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पूरी रात चलता है गाइस यहाँ पे, पूरी रात। और आपको विश्वास नहीं होगा, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रात को 3-3, 4-4 बजे तक इनकी पार्टियाँ चलती है। मतलब जो एरिया ये है स्पेशली पार्टी वगैरह, जो घूमना चाहते हैं पार्टी करना चाहते हैं तो उनके लिए ही बना है डनांग। ये देखिए इंडियन कपल, काफ़ी इंडियन मिल जाएंगे गाइस आपको, काफ़ी इंडियन यहाँ पे। देखिए फुटबॉल का एंजॉय करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं यहाँ पे, वो देखिए वहाँ पे वॉलीबॉल का है स्पॉट। और ये कुछ नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं वहाँ पे लोग, और यहाँ पे बोट्स के रिलेट, बोट से जिनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने का शौक है तो उसके लिए भी आपको टिकट काउंटर से टिकट वगैरह करवा के अपने जो भी बोट्स के जेट स्की और भी तरह तरह के सर्फिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे लोग। ये देखिए छोटा कुत्ता डॉगी कितना क्यूट है उसको एक केवल पैकेट से बांधा हुआ है, वो इधर उधर नहीं जा पा रहा उससे। ये देखिए कुछ नाइट लाइफ गाइस डनांग की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेस्ट है जो मैंने अभी तक देखी है, और जिसको ज़्यादा पार्टियाँ करने का शौक है ना तो उसी के लिए शहर बना हुआ है डनांग। मतलब आप लोग गोवा को भूल जाओगे अगर यहाँ पे आओगे तो। और रात रात जैसी होती रहेगी, जो ये बिल्डिंगें देख रहे हैं इनमें लाइटों का तो अलग ही नज़ारा होता है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेके चलूँगा जिस तरफ इनके फेमस ब्रिज है ड्रैगन ब्रिज, उसके आसपास की लाइफ भी दिखाऊंगा किस टाइप का वहाँ पे है और क्या वहाँ पे इतना फेमस है ना ड्रैगन ब्रिज का। ये देखिए वॉलीबॉल मैच चलता हुआ, वो काफ़ी फॉरेनर उस साइड बैठे हैं राइट साइड में, और यहाँ पे फॉरेनरों का पता भी नहीं चलता, मतलब जो मलेशिया के लोग हैं, थाईलैंड के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग हैं, उनका पता नहीं चलता क्योंकि एक जैसे ही इनका फेस वगैरह है ना। ये देखिए वाह, और इंडियन के लिए बेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइज यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट ना, तो आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना बजट अगर आप लोग डनांग आते हो घूमने इंडिया से तो ऑलमोस्ट एक बंदा 70-80 हज़ार रुपये में फुल एंजॉय कर सकता है यहाँ पे, फुल एंजॉय। एक साइड की तुम्हारी टिकट हो जाएगी, उसके बाद तुम जितना मर्जी खर्च करो वो तुम्हारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है गाइज। और मेनली अगर आप लोग ग्रुप में आओगे ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी सेव होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, फ़न भी होगा। तो कोशिश करिएगा कि ग्रुप के साथ यहाँ पे आओ। अकेले आओगे अगर आपको अकेला घूमना पसंद है तो आप लोग आ सकते हो, थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा हर चीज़ ढूंढना जैसे घर वगैरह। तो अगर आप ग्रुप में आओगे तो घर भी सस्ता पड़ जाता है, रहने का भी सस्ता पड़ जाता है, खाने का भी ठीक ठाक पड़ जाता है। और एक और चीज़, यहाँ पर पानी जो टैप वाटर आता है ना वो आप पी नहीं सकते हो गाइस, तो इसलिए एक्वाफिना ये जो आप देख रहे हो कैन लेके चलना पड़ता है। वाओ गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं तो आपको बीच ही दिखाता रह गया, अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने आप स्टेज देख रहे हो तो यहीं पे इवेंट वगैरह होते हैं, और जैसे कोई स्पेशल डे आता है वियतनाम में, जैसे इनका नेशनल डे या कुछ भी कोई भी इनका फेस्टिवल से रिलेटेड कोई भी डे आता है तो यहाँ पे ये लोग इवेंट वगैरह बहुत ही प्यारा करते हैं। मैंने अभी वीडियो देखा था अपने जो जुम्बा का था, तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं और डांस वगैरह, अभी जुम्बा डांस हो रहा था थोड़ा आधा एक घंटा पहले, मैं आ नहीं पाया उस टाइम पे, मिस हो गया मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, और एक और चीज़, जैसे स्टारबक्स पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है ना अपनी कॉफ़ी के लिए, आपको वियतनाम में एक ही मिलेगा, हाईलैंड कॉफ़ी। नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरे पे, थोड़ा और क्लोज लेके चलता हूँ। इसकी कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना गाइस, हाईलैंड्स कॉफ़ी स्टारबक्स के जैसे ही आपको थोड़ा बहुत सिमिलर मिलेगा, अंदर का जो इनका इंटीरियर होता है कॉफ़ियों का भी एक जैसा ही मिलेगा, बस ब्रांड चेंज है। ये हाईलैंड्स है और ये चाइन वियतनाम में मैंने बहुत ज़्यादा देखी है गाइस। ये देखिए और इनके छोटे छोटे टापू भी दिखाई दे रहे होंगे सामने पे, देखिए। तो अभी तो मैं वियतनाम में थोड़ा टाइम और रहूँगा, जितना भी टाइम मैं यहाँ पे रहूँगा आप लोगों को डनांग पूरे अच्छे से घुमा दूंगा, जितनी भी अच्छी अच्छी यहाँ पे जगह है, बाना हिल्स वगैरह।
तो वो लोग भी, वो जगह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब भी मेरे को फ्री टाइम मिले और वहां घूमने को मिले, क्योंकि छुट्टियों का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हमें दिक्कत नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा छुट्टी कि आप लोगों को पूरा घुमा पाऊँ एक ही दिन में। ये देखिए आइसक्रीम के कोन जैसा बनाया हुआ है। तो गाइज ये कुछ लाइफ थी यहाँ की बीच के किनारे की, जो आपको दिखा दिया मैंने, थोड़ा पानी की तरफ भी लेके चलता हूँ आपको। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको तैरना नहीं आता ना, तो इन्होंने अच्छी चीज़ पता क्या की हुई है, हर 50 मीटर के बाद इन्होंने ऐसी रोप लगाई हुई है, ये देख रहे हो आप। तो इसके साथ साथ आप आगे जा सकते हो और डूबने का भी कोई डर नहीं है, अगर डूबोगे तो पीछे की तरफ आ जाना। ये देखिए तो गाइज अभी तो मैं रात के टाइम पे आता हूँ, रात को इस टाइप का नज़ारा होता है डनांग बीच में। और ये काफ़ी बड़ा बीच है, ये मत सोचिएगा इतना ही एरिया, इतना इसके आगे अगर आप जाओगे ना, इसका तो एंड बहुत ही आगे, मतलब मान के चलो 3-4 किलोमीटर का तो ये आराम से इजीली इस सेक्शन में है जिस सेक्शन में मैं आया हूँ। और इसके आगे अलग अलग टाइप का फिर बीच है, मतलब उसके आगे भी बीच है। और फिर इनका यहाँ पे एक पास में शहर पड़ता है हुई और होयान, तो ये दोनों जगह भी बहुत फेमस है। टाइम मिला मुझे कभी तो ये दोनों शहर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करके मैं दिखाऊंगा, यहाँ का कल्चर भी आपको दिखाऊंगा किस टाइप के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो गाइज थोड़ा आपको ना मैं ऊपर साइड में लेके चलता हूँ और फिर उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, है ना। फिर मैं आगे आपके लोगों के लिए अलग कोई वीडियो बनाऊंगा, मतलब आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो ऊपर रास्ता है इसके पास में कैसा टाइप का रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, किस टाइप के फूड आपको मिलेंगे, आइसक्रीम वगैरह जो भी रहता है यहाँ पे। होटलों की कोई कमी नहीं है गाइज यहाँ पे, अगर आपका बजट भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको 1000 से शुरू हो जाएंगे रूम, और फिर वो तुम्हारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है गाइज। ये देखिए ये वैन के अंदर ही सर्व कर रहे हैं, आई थिंक फास्ट फूड से रिलेटेड है, नूडल्स वगैरह। और ऐसे इन्होंने हर जगह बनाया हुआ है जहाँ से एंट्री होती है अंदर के लिए। पार्किंग केवल 12 रुपये बाइक की है इंडिया के। और इसी के बगल में जो आपको रोड दिखाई दे रही हो ना, बस इन होटलों से 100 मीटर पीछे, 150 मीटर पीछे ही मेरा घर है गाइस, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये देखिए कुछ नज़ारा, अंधेरा हो गया है, गोप्रो में इतना साफ नहीं आ रहा होगा गाइस, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी अगर टाइम मिला तो मैं दिन में भी कभी आके दिखाऊँगा किस टाइप का यहाँ पे, हल्का वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। और आज संडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे को यहाँ पे इतना रश होता है आप देख ही सकते हो। बीच में इस टाइम पे अभी टाइम हो रहा है गाइज 8 बजने वाले हैं, 7:40 हो गया टाइम और इतना रश है, संडे है, कल इनको काम पे भी जाना होता है। ये देखिए इस तरफ लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए पैराडाइज, ये कॉफ़ी वगैरह जो भी आपको शेक वगैरह पीना है। तो ऐसे आपको इस पूरे स्ट्रीट में मिलेंगे आप बहुत सारे रेस्टोर कैफ़े वगैरह, आप इन्जॉय कर पाओ यहाँ पे आके। और वेदर आपको बताओ ना गाइज, यहाँ का शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में बेस्ट टाइम है यहाँ पे घूमने के लिए। और अगर आप लोगों को विंटर पसंद है तो आप लोग आ सकते हो दिसंबर और जनवरी के टाइम पे, उस टाइम पे आपको ठंडा भी फील होगा नहाने का, आई डोंट नो, जो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे जाता है 17-18 जाता है। ये देखिए कुछ ऐसे इन्होंने फ्रेम बनाए फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, उसके ऊपर बैठ के आराम से अपने फ़ोटो वगैरह खींचे। और सफाई एक नंबर है गाइज यहाँ पे, यहाँ के लोग थोड़ा समझदार है, समझदार क्या बताऊँ, अब तो धीरे धीरे सारी दुनिया ही समझदार होने लगी है, सफाई का काफ़ी ध्यान देते हैं। हर जगह आपको डस्टबिन मिल जाएगा, कचरा वगैरह बहुत कम रियर देखने को मिलता है यहाँ पे, अगर कोई नॉनसेंस स्टुपिडी जैसा आया कोई तो वो ही फेंकेगा इधर उधर, वरना कोई नहीं फेंकता इधर। ये देखिए स्काई बार, और इस पूरे 3-4 किलोमीटर के अंदर ना, बीच के एकदम साइड वाले अंदर, यहाँ पे आपको मेनली बार पार्टी वगैरह करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने इस टाइप का इसको बनाया हुआ है कि यहाँ पे साथ में अपना नहा भी लो, यहाँ पे अपना बार बूर में जाके अपना ड्रिंक एंजॉय करो, मतलब इस टाइप की लाइफ यहाँ पे है और इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी बनाया हुआ है यहाँ पे ऑफिस वगैरह इनका, इनसे पूछो कुछ टिकट वगैरह का जो भी होता है। और पैर धुलने के लिए भी है, नहाने के लिए भी, बाथ वगैरह के लिए भी बना रखा है इन्होंने, जैसे तुम नमक के पानी से आओ उसके बाद अपना पैर धुल के नहा के यहाँ से निकल जाओ। ये देखो इस टाइप के मैं स्टॉल बता रहा था आपको,
यहाँ के कुछ यहाँ के टी वगैरह मिलती है, यहाँ पे मिल्क की टी भी मिल जाती है आपको, यहाँ पे जूसेस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी लंबे आगे तक है ईडन होटल, होटल काफ़ी अच्छे हैं एकदम सी फेसिंग फ्रंट के साथ, इन्होंने काफ़ी सारे लंबे लंबे बड़े बड़े होटल यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखिए सर्फ बोर्ड और फ्रेम भी काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए हैं, मतलब आप लोग आओगे ना, ये देखिए झूला बनाया हुआ है, आप लोग आओ तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए बहुत ही बेस्ट है गाइस। थोड़ा आपको लेके चलता हूँ इन LED के अंदर से, ये जो फ्रेम बनाया हुआ है, ये बैक साइड में थोड़ा शिप वगैरह बनाई है, आज इवेंट हुआ था उस करके यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने फ्रेम वगैरह रखा है, इसके अंदर से लेके चलते गाइस आपको। तो गाइज़ देखिए आपको सीटी की आवाज़ आ रही है, मुझे तो आ रही है। यहाँ पे कुछ इनके गार्ड वगैरह भी रखे रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, कि अगर कोई बंदा ज़्यादा आगे चले जाता है तो सीटी मार के उनको पीछे बुला देते हैं, और जब हाई टाइड आते हैं तो भी ये सीटी मार के उनको बुला देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा गाइज़, कभी कभार समुद्र के पास बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे टाइड भी देखे गए हैं, क्योंकि आज आते रहते हैं ना कोई डिप, जैसे कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसके भी काफ़ी लंबे लंबे वेव्स बन के आते हैं। तो इन्होंने सिक्योरिटी के लिए क्या किया हुआ था, जो मेरे दोस्त ने बताया, ये बीच के साइड में जितना भी है ना ये वाला पूरा एरिया, तो इसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगा देते हैं यहाँ पे, कि पानी का जो बहुत ही फोर्स से जो आता है ना, वो कंटेनर उसको अब्जॉर्व कर लेता है और ज़्यादा आगे तक सिटी के अंदर जाने नहीं देता, तो रोड तक ही वो ईजिली उसकी जितनी भी फोर्स होती है वो कम हो जाती है और कोई हार्म नहीं होता, जितनी भी बिल्डिंग है और ये शॉप वगैरह आप जो देख रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि लोगों की सिक्योरिटी का भी ये ध्यान देते हैं, बंदा कोई ज़्यादा आगे ना चले जाए उसको सीटी मार के वापस बुला देते हैं। और देखिए होटलों की जो लाइटें हैं कितनी दूर दूर तक जा रही है, आपको दिखाई दे रही हो या ना ही दिखा दे रही हो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे तो आंखों से दिखाई दे रही है, कैमरे में रिकॉर्ड होना बड़ा मुश्किल है। म्यूज़िक चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लोग अपना बियर वगैरह, मेनली इसीलिए यहाँ पे लोग आते हैं। ये देखिए, तो गाइज ये कुछ नाइट लाइफ मैंने आपको दिखाई है डनांग बीच के किनारे से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, थोड़ा एफर्ट जरूर लगा मेरा बट आप लोगों को दिखाना बनता था गाइज। ये देखिए गाइज जो आप ये लोगों देख रहे हैं ना फुट मसाज का, इस एरिया में आपको इतने मसाज के सेंटर मिल जाएंगे ना, मतलब जितने होटल हैं यहाँ पर उतने ही मसाज सेंटर हैं, समझ रहे हो आप, मसाज के लिए भी बहुत फेमस है डनांग। गाइज रात के ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं, मैं काफ़ी 1-1.5 घंटा यहाँ पे घूमा, और यहाँ पे आपको ड्रिंक्स बता दूँ क्या फेमस है, जो ये लोकल लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो स्टिंग आप इंडिया में पीते हो ना गाइस, वो पाकिस्तान और वियतनाम में सबसे पहले लॉन्च हो गई थी। ये देख रहे हो ये स्टिंग का येलो कलर है, ये रेड कलर है, और ये बारबेक्यू वगैरह करते हैं इनको और साथ में खा के इंजॉय करते हैं। और स्टिंग का नाम मैंने पहले वियतनाम में ही सुना था, उसके बाद इंडिया में लॉन्च हुआ स्टिंग। यहाँ पे लोग स्टिंग और रेड बुल बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और रेड बुल यहाँ एक दूसरे टाइप की मिलती है, मतलब जो एक इंडिया में मिलती है ना तो उससे भी सस्ते में मिलती है, मतलब मान के चलो आप 35 रुपये का मिलेगा आपको एक कैन छोटा सा, वो ये लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। और एक यहाँ की जो टी होती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हर्बल टी, मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी के साथ, जो भी गेस्ट इनके यहाँ आता है तो उन लोगों के साथ ज़रूर ये सर्व करते हैं, उनको यहाँ का एक जो चाय होता है ना, हमारे घर में आते लोग तो चाय वगैरह पूछते हैं, तो यहाँ पर वाला टी पूछते हैं, हर्ब का टी, और बहुत अच्छी चीज़ है। और जो दूध वाली टी है ना गाइस, वो तो एक तरह का जहर का ही काम करती है, उससे कितनी गैस के डिजीज़ हो जाते हैं, कितने गैस प्रॉब्लम हो जाती है पेट में, वो आप लोगों को पता ही है। और इंडियन कल्चर में ये दूध वाली चाय मुझे पता नहीं कहाँ से आई, बट इन लोगों का और चाइना का जो कल्चर है ऑलमोस्ट सेम है जहाँ तक मामला है चाय का। ये हर्ब्स यूज़ करते हैं ना, पत्ते वगैरह, कुछ जड़ी बूटियाँ, तो उसका ये चाय वगैरह सर्व करते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है वो। ये देखिए सी फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो शायद ये शहर आप लोगों के लिए नहीं बना है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, और वरना तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, और या तो फिर इनका जो जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके भी यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पर भी आपको पूरा वेज खाना मिलेगा। तो गाइज़ ये कुछ मैंने पूरा वीडियो बनाया आपको,
और आगे मैं आप कितना दिखाऊं आपको वो कम पड़ जाएगा, और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।